एंड स्वागत है आपका बजिंग तोशी में। और आज है सावन का सोमवार, तो पिया ने आज व्रत रखी है तो वो मंदिर पूजा करने जा रही है, तो मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का जो टेंपल है, इस विलेज का गायत्री मंदिर है, वहाँ शिव परिवार भी है, वो कैसा सिचुएटेड है और लोग वहाँ कैसे पूजा करने आ रहे हैं, क्योंकि आज है सावन का सोमवार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं पिया के साथ। पिया है जिसका आज उपवास है और ये जा रही है मंदिर भगवान की पूजा करने। हाय गाइस, ये है भारती मामी। आपका व्रत है सोमवार? पूजा करोगे? ठीक है। और यहाँ पर पिया निकल चुकी है मंदिर जाने, पूजा थाली सजा कर अपनी। पिया ने पूजा की थाली सजा ली है और व्रत है पिया का। तो पिया, आपको उपवास रख के अच्छा लग रहा है? हाँ। आप सावन भर रखेंगी? हाँ रखूंगी। ठीक है, चलते हैं। रास्ते में हमें ये गौ माता मिल गई है, प्रिया इनको टीका लगा दे रही है। गौ माता, माता हमें मंदिर जाना है, इसलिए हम जल्दी में हैं, जलते हैं सियाराम। फ्रेंड्स, आज मेरा भी व्रत था तो इसी बहाने प्रिया के साथ मैं भी मंदिर चला गया। वैसे मैं घर में ही पूजा कर लेता हूँ व्रत के दिन। मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत नज़दीकी है, तो हम पैदल जा रहे हैं। और अभी प्रिया ने कहा है कि उसे अगरबत्ती भी लेना है, तो वो अगरबत्ती लेने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब प्रिया अगरबत्ती लेने जा रही है। तो फ्रेंड्स, प्रिया अगरबत्ती लेके आ गई है, फिर से मंदिर की ओर बढ़ना शुरू कर चुकी है। हर हर महादेव। ये है मंदिर और पिया मंदिर पहुंच चुकी है। ये गायत्री माता का मंदिर है और यहाँ पर शिव परिवार एवं हनुमान जी भी विद्यमान है। राधे राधे अम्मा जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर श्री गणेश जी, पार्वती माता और कार्तिकेय जी विद्यमान है, एवं नंदी महाराज भी विद्यमान है। और ये हमारे भोलेनाथ है और प्रिया अब अपना पूजन करने वाली है। तक प्रिया पूजा की तैयारी कर रही है, तब तक मैं आपको मंदिर और भी दिखा देता हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर हमारी श्री गायत्री माता है। और यहाँ पर हमारे बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज हैं।
पूजा कर कर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मुझे बहुत आनंद आया, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा, सावन का दिन था। ऐसे ही डेली लाइफ ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टैप कर देना, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और बस और क्या कहूँ, सीताराम, चलो अब मैं चलता हूँ।